नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंजीनियरिंग छोड़ राजनीति में आए विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। 30 साल से विधायक हैं प्रेम कुमार, जानिए आज शपथ लेने वाले नेताओं के बारे में। नीतीश कुमार आज नवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम के तौर शपथ लेंगे। आज शपथ लेने वालों में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जदयू के तीन तीन, हम पार्टी के एक और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। मंत्रियों में बीजेपी कोटे से डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार, हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 9वीं बार बनेंगे सीएम। महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की है। आज वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ लेंगे। सीएम पद की शपथ लेने में नीतीश का रिकॉर्ड है। उन्होंने सीएम रहते 5वीं बार इस्तीफा दिया है। इस बार नीतीश कुमार ने 537 दिन बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने पिछली बार एनडीए से अलग होकर 9 अगस्त 2022 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में एक पहचान रखने वाले सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर गांव में हुआ। सम्राट चौधरी 54 साल के हैं। वे कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं। वे बिहार के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद थे, समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। पत्नी ममता चौधरी है, एक बेटा और एक बेटी है। विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर माँ के घर में 5 जून 1967 को हुआ था। वो बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं। उनके पिता स्वर्गवासी शारदा रमन सिंह पटना के बाद स्थित बेड़ना के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। उनकी मां का नाम स्वर्गवासी सुरमा देवी है। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इंजीनियरिंग को छोड़कर उन्होंने राजनीति को चुना था। 68 साल के प्रेम कुमार पिछले 30 सालों से लगातार गया शहर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने लालू यादव के ओबीसी पॉलिटिक्स के कार्ट में जब ईबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश की तो प्रेम कुमार उसके अहम किरदार रहे। वो भाजपा के बड़ा ईबीसी चेहरा है। चंद्रवंशी समाज से आने वाले प्रेम कुमार मगध विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी डिग्री धारी है। प्रेम कुमार ने एबीवीपी के सदस्य के रूप में छात्र जीवन में राजनीति में कदम रखा था। 77 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव का जन्म सुपौल जिले के मुरली में एक यादव परिवार में हुआ। उनके पिता का स्वर्गवासी सुखराम यादव गांव के मुखिया थे। स्नातक तक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि 1990 में पहली बार विधायक बने। अब तक 8 बार विधायक रहे, 10 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। 1998 से 2000 तक बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण समिति के सभापति रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।